दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और अमेरिका के सबसे ताकतवर लोग वहां के प्रेसिडेंट और एक एक बार नहीं दो दो बार जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। साहब सोचिए सर, जो दुनिया के एक नंबर कंट्री के 8-8 साल प्रेसिडेंट रहे हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टियां होगी, कितना पैसा होगा, कितने हीरे जौहरे होंगे। पर आप सुन के ताजुब करेंगे सर, 2018 में जॉर्ज बुश सीनियर जब उनकी देहांत होता है तो उनके पास उनके पेंशन के अलावा कुछ नहीं था सर। और जॉर्ज बुश जूनियर वो आज भी 2016 के मॉडल की गाड़ी चलाते हैं और वो और उनकी पत्नी दोनों एक कंपनी में साधारण सी नौकरी कर रहे हैं सर। और बिल क्लिंटन के बारे में तो आपने न्यूज़पेपर में सुना ही होगा, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, बीच में तो उनकी हालत बड़ी खस्ता थी। तो वो पर मोटिवेशनल स्पीकर है तो कई जगह स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस से अपना काम चला रहे हैं। उनकी पत्नी ने भी बायोग्राफी लिखी है। आप सोचिए सर, बराक ओबामा का तो क्या कहना, उनकी बेटी आज भी कैशियर है, उनकी पत्नी एक साधारण सी नौकरी करती है और बराक ओबामा लेक्चर्स देते हैं सर। धन्य है वो देश और धन्य है वहाँ के लोग के सर शीर्ष पदों पर ऐसे ईमानदार लोग बैठे हैं ना, इसलिए अमेरिका दुनिया का विश्व गुरु है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ही है, अभी जर्मनी में एंजेला मर्केल हुई 16 ईयर्स, 16 साल तक पूरी यूरोपियन लीडर की लीडर रही। अभी जब रिटायर हुई ना, उनके हस्बैंड एक प्रोफेसर है और एक 2 BHK में रहते हैं। हमारे यहाँ भी हुए सर, हमारे यहाँ शास्त्री जी हुए। शास्त्री जी जब थे तब उन्होंने एक फिएट कार ली थी पंजाब नेशनल बैंक से, उनके अकाउंट में 7,000 रुपये थे और 5,000 रुपये का उन्होंने लोन लिया था जो वो प्राइम मिनिस्टर रहते चुका नहीं पाए, और उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने वो चुकाया था। आप सुन लीजिए सर, और अभी मैं आपके जो बात बता रहा हूँ ना वो सुन के तो आपका दिल गदगद हो जाएगा कि अपने एक 94 साल के एक व्यक्ति थे, उनको एक मकान मालिक के यहाँ रह रहे हैं और वो मकान मालिक उनको बाहर निकाल रहा है कि भाई आप किराया नहीं दे रहे हो। उनके पास है क्या, एक छोटा सा सूटकेस और एक कनस्तर। वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, पब्लिक बोलती है बुजुर्ग आदमी है थोड़ा रहने दो, बुजुर्ग आदमी बोलते हैं मेरे को टाइम दो। इतने में उधर से एक पत्रकार जा रहा होता है, उसको ये कॉपी लगती है तो वो वहाँ पे उसकी पूरी स्टोरी को रिकॉर्ड करता है और लेके आता है अपने पब्लिशिंग हाउस में। और पब्लिशर जहाँ बैठे हुए और जो मालिक आते हैं बोलते यार ये कौन है, जैसे वो फोटो देखते हैं कि बोले तुमको मालूम है ये कौन है, बोले कौन है, बोले ही इज 2-टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुलजारी लाल नंदा। वो चौंक जाता है, बोले इट इज ए, और सेकेंड डे जब न्यूज़पेपर में छपता है कि हमारे 2 टाइम के प्राइम मिनिस्टर आज किराए के मकान में रह रहे हैं और खस्ता हालत है, तब पूरा कारवा जाता है। पर तब भी वो गांधीवादी विचारधारा के, उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं लिया, हम लोगों ने उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया। पर सर हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे ईमानदार लोग खूब हुए। तो साहब जिस देश को भी अगर विश्व गुरु बनना है, उनके सर्वोच्च पदों पर जो भी लोग बैठते हैं ना उनको निहायत ही ईमानदार होना पड़ेगा। जय हिंद। थैंक यू सर।